नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका गुड मॉर्निंग इंडिया की खबरों में। देश में कोविड के बिगड़ते हालात पर आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। कोर्ट ने मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए एक स्पष्ट राष्ट्रीय योजना की जरूरत बताई है। केंद्र सरकार से चार बिंदुओं पर जवाब भी मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने जिन चार बिंदुओं पर ऑक्सीजन की आपूर्ति, आवश्यक दवाइयों की आपूर्ति, वैक्सीनेशन का तरीका किस तरह का हो और राज्य में लॉकडाउन का फैसला कौन ले, क्या हाईकोर्ट भी ऐसा आदेश दे सकता है पर केंद्र को नोटिस जारी किया है। कोर्ट में सुनवाई दोपहर 12 बजे के बाद होगी। 23 अप्रैल को मामले की पिछली सुनवाई के दौरान जज खास तौर पर इस बात पर खिन्न नजर आए कि दो दिनों सुप्रीम कोर्ट की मंशा को लेकर वरिष्ठ वकील और तमाम लोगों ने तरह तरह के आरोप लगाए हैं। मामले में एमिक्स क्यूरी बनाए गए वरिष्ठ वकील हरीश सालवे ने भी इस तरह के आरोपों पर दुख जताते हुए अपने आप को इस दायित्व से अलग कर दिया। सुनवाई के अंत में जजों ने वकील अनुराधा दत्त को हरीश सालवे की जगह एमिक्स क्यूरी नियुक्त किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच सोमवार हुई फोन वार्ता में भारत और अमेरिका में मौजूदा कोरोना संकट तथा इससे निपटने के लिए आपसी सहयोग को लेकर बातचीत हुई है। करीब आधे घंटे की इस बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन बात पर जोर दिया कि कोरोना टीकों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति अबाध रहनी चाहिए। करीब आधे घंटे से अधिक समय तक चले इस फोन कॉल में दोनों नेताओं ने भारत में कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए चल रहे प्रयासों पर भी बात की। इसमें टीकाकरण, दवाओं और स्वास्थ्य उपकरणों की उपलब्धता बढ़ाने के प्रयास शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति बाइडेन को अमेरिका से मिले सहयोग के लिए धन्यवाद दिया है। वहीं दोनों नेताओं ने कोविड-19 के खिलाफ आपसी वैक्सीन सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया है। इस फोन कॉल के बाद व्हाइट हाउस से जारी प्रेस बयान में कहा गया कि भारत में कोविड-19 मामलों से प्रभावित लोगों के साथ अमेरिका पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। अमेरिका भारत को आपात सहायता के तौर पर ऑक्सीजन संबंधी उपकरण, वैक्सीन सामग्री और दवाइयां इत्यादि मुहैया कराता रहेगा और करा भी रहा है। तो देखिए, एक बार फिर से भारत में कोरोना महामारी चरम पर है। ऐसे में आप सभी लोगों से लगातार हम अपील कर रहे हैं कि दो गज की दूरी को जरूर बनाए रखें, मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, बेवजह भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं, नाइट कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन का पालन जरूर करें। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।